पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान उन्हां दा पहुंचण ते तहे दिलों ग्राम पंचायत पिंड निहालगढ़ उन्हां दा जी आया कहिंदी है। और अगली गल के ये जिहड़ा प्रोग्राम है एक कामरेड सुतंत्र जी की जो शख्सियत सी ओ सानू बड़ा समा लम्मा उड़ीकना पिया कि जिड्डा उन्हां दा कद है कोई उस दे नेड़े तेड़े दी शख्सियत जिहड़ी उस दे कदम चन्ना ते चलण दा कोशिश करदी होवे असी उस दी भाल विच सीगे। उह सानू मिलिया इस समय पंजाब दे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान दे रूप विच। और क्योंकि इस तो पहला भी होर सारा कुछ मुख्यमंत्री होर आए पर ये कोई जरूरी नहीं भी ये सन्मान कोई जा उद्घाटन कोई मुख्यमंत्री करे क्योंकि जिड्डा उन्हां दा कद सी उस उन्ना हर सियासी आगू का किरदार नहीं हुंदा जो पिछोकड़ असी निगाह मारीे तो असी ने बड़े सोच समझ के ये चयन किया कि सरदार भगवंत सिंह जी मान इस गल बड़े ढुकमे हैं उन्हां नूं इस कम का जिहड़ा हैगा शेयर भी दिता जाए और साडा बड़ा माण होएगा। और मैं बड़े तहमल नाल बड़े प्यार नाल जां बड़े मतलब हौसले नाल गल कहना कि जदों असी इन्हां नाल संपर्क किया कि CM साहब कामरेड तेजा सिंह जी सतंत्र जी की पिंड निहालगिड़वे जिहड़ी हैगी है बुत दा परदा रौण दी असम जिहड़ी कि 50 सालां बाद हो रही है ये भी एक इतफाक है। अज तो 50 साल पहला उस संसद दे विच जदों के सेंटर हाल दे विच बैठे से उन्हां दी हार्ट अटैक नाल मौत हो गई सी वो 50 साल पूरे कर चुके ने। और उस समय जदों असी इन्हां नूं क्योंकि ये साडे इलाके दे जंपल ने कामरेड सतंत्र दी जिहड़ी जन्म भूमि बेशक गुरदासपुर सी कर्म भूमि ये मालवा सी लैके फिरोजपुर तो पटियाले तक और खास करके मान साहब उस दे विच क्योंकि इन्हां नूं सारा पता इन्हां ने जीवनी भी पढ़ी है तो इस करके जदों असी एक बारी मूँह चो लफ्ज कढ़िया इन्हां ने एक बारी भी ना तो की करनी सी ये भी नहीं पूछा भी की कम है ये कहिंदे मैं जरूर आऊँगा। और ये भी कहा कि जेकर इहदा समा असी सोचते सी भी कि पंजाब दे मुख्यमंत्री ने बड़े रुझेवे ने भी कोई समा सानू उन्हां तों मंगना पैना है पर इन्हां ने एड्डी फराक दिली दिखाई कि सानू कहिंदे तुसीं दसो किहड़ा समा चाहीदा है ये सानू कहन लगे 12, 13, 14 रुझेवे होंदे ने विसाखी दे उन्हां नू छड्ड के जिहड़ा कहो आ जाणा है। असी कहा मान साहब 12 अप्रैल ही उन्हां दा है मतलब जिहड़ा है बरसी समागम 50वां ये कहिंदे फिर इस तो महत्वपूर्ण कार्ज होर की हो सकता है इसलिए मैं मान लो कि 12 नू ही आऊँगा। इन्हां ने सानू एक बार भी नहीं कहन दिता इसलिए सारी नगर पंचायत सदा लई इन्हां दे हौसले दी जां इन्हां दे जिहड़ा साडे नाल कीता वादा उहदी सदा करजई रहूगी। सो मैं एक बार फिर दिल दीआं गहराइयां चों समुची पंचायत वल्लों समुचे नगर वल्लों और इस इलाके दे विच 3-4 असैंबली हल्कियां दी जिहड़ी समुची संगत और आम आदमी पार्टी दे वर्कर और कम्युनिस्ट पार्टी दे वर्कर और दूसरियां पार्टियां दे भी वर्कर जिहड़े मान साची मां साहब ते ओ मैं बाद च करदा इस करके ये सारे जदों आए ने। और दूसरी गल जदों के असी ये गल लैके चीमा साहब नूं सकत्तरेत च मिले इन्हां ने बड़े खड़े मत्थे नाल कहा कि जे मान साहब अपने निहालगढ़ आउंदे ने तां साडे वास्ते एदूं भागां वाली कीड़ी गल है। इन्हां ने बड़ा मतलब जिहड़ा हैगा हौसला दिखाया और लगातार 3 वार असी इन्हां नूं मिलदे रहे। इन्हां ने ये कहा कि तुसीं आप सियाणे हो तुहानूं कोई किसे तरह की मैनूं दसण की लोड़ नहीं तुसीं ठीक कर रहे हो मेरे कोल सारियां रिपोर्टां ने इस करके मैनूं जाण की लोड़ नहीं जदों भी तुहानूं दिक्कत आवे तां मैनूं दस देना। इन्हां दा फोन साडे लई सदा 5-5 मिनटां बाद भी चीमा साहब नूं असी फोन करते रहे हैं पंजाब के वित्त मंत्री ने इन्होंने एक भी बार साडा फोन मिस नहीं किया जे मिस होया तो 2 मिनटां बाद कॉल आ गई है इन्हों का भी असी धन्यवाद करते हैं। और दूसरे पासे सरदार कुलवंत सिंह जी MLA जिहड़े कि साडे इस नाल गुआंढी हल्के दे ने जिन्हां नाल साडे नेड़े दे संबंध भी ने उन्हां ने भी साडा सद्दा प्रवान किया। और इसे तरी साडे दूसरे हल्के दे MLA साहब लहरा गागा दे वरिंदर गोयल जी जदों उन्हां ने असी उन्हां नूं मिले
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵਿਚਰੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਪਰਾਜ ਬੀਬੀ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਰੂਰ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਭਾ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਾਮਰੇਡ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸੀ, ਐਕਸ MLA ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਰਿਣੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈ ਜਨਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ CPI ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਕੱਤਰ CPI ਪੰਜਾਬ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਮਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਰਪੰਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਫਾਰਮਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਭਰਾਓ, ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਇਸ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਾਡੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਧੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਉੱਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਉੱਜੜ ਰਿਹਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੂਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਅਜੇ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, 4 ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਮੱਸਿਆ, ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸੁਤੰਤਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਨਾਨਕ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਥੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਸ਼ਿਖਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੋਧੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਕੱਤਰ CPI ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੀ ਨੂੰ,
कि वह भी थोड़े नाल आके अपने विचार की सांझ पाउंगे। श्री हरदेव सिंह अरशी जी, बहुत ही सत्कारयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान, मानयोग मुख्यमंत्री पंजाब सरदार हरपाल सिंह जी चीमा, वित्त मंत्री पंजाब, मेरी भैन भरा जी कुलवंत सिंह जी गोयल साहब, मेरी पार्टी के सकत्र कामड़ बराड़ जी, और अज दे इस जगह थोड़ी थोड़ा उत्साह बड़ा है, थोड़ा कट्ठ ज़्यादा है, अपने मुख्यमंत्री के दर्शन करने वास्ते उन्होंने विचार सुन वास्ते मैं थानू सारू भी जी आया आखदा। सब तो पहला मान साहब, मैं थोड़ा निजी तौर पर बहुत ही तय दिलों धन्यवादी हाँ। साड़ी छोटी जी बेनती, तुसी एक मिनट च प्रवान की कामड़ स्तंत्र के बुत नूं लोक अर्पण करन वास्ते, साडे मन दे विच थोड़ा सत्कार वध्या, क्यों? क्योंकि थोड़े दिल दे विच देश भगतां दे प्रति बहुत ज़्यादा प्यार ते सत्कार है, ये इस गल का सबूत है। और मैं थानू जी आया भी आखदा, मैनू इस गल की भी खुशी है, तुसी गवाहों सारे मेरे सामने बैठे, इस तो पहला पंजाब की बागडोर जां जगीरदारां दे हाथ सी जां रजवाड़ियां दे हाथ सी, इह वी पंजाब वास्ते बड़ी खुशी है कि एक सधारण किसान का परिवार अज तुहाडे पंजाब दी बागडोर संभाल रहा है, इह वी साडे वास्ते बड़ा फखर और बड़ा माण है। असीं इह वी जाणदे हां, मैं कम्यूनिस्ट हाँ, बड़ा सीनियर कम्यूनिस्ट, असीं बड़ी कंसट्रक्टिव अप्रोच वाले हाँ और सारू पहुँच वाले हाँ, असीं उन्हां पार्टियां विचों नहीं जो केवल विरोध वास्ते विरोध करदे हाँ। जदों तुहानूं पंजाब मिलिया इहदी सारी ताणी उलझी हुई सी, असीं महसूस करदे हां कि इन्नी उलझी ताणी उहनूं सुलझाउणा कोई सौखा काम नहीं, कोई समां मंगदा है, पर सानूं इस गल दा पक्का विश्वास है जिस तरह थोड़ी इच्छा शक्ति है, जिस तरह थोड़े विच काम करन दा दृढ़ इरादा है, इहदे विच तुसीं सफल होवोंगे। मेरे कोल क्योंकि समां एवें इक अद्धे मिंट दा ही है, मैं इक्को गल कहनी चाहुंदा, जिद्दां साडी आर्थिक हालत माड़ी सी, असीं समझदे सी कि थोड़े वास्ते बड़ा ढेर सारा समस्यावां ने जदों पैसा कोई नहीं, पर लेकिन थोड़ी सुचजी अगवाई के सिर पर अज पंजाब का रेवेन्यू, चाहे वह GST का हो, चाहे एक्साइज का हो, चाहे साडा स्टंप ड्यूटी का हो, उन्हें पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते है, थोड़ा रेवेन्यू वध्या, इस गल का सबूत है कि तुसी जरूर कुछ साडी करजे की पंड भी पंजाब के सिर तो हौली करोगे, और लोग भलाई दियां विकास दियां डिवेलपमेंट दियां स्कीमां भी वध तो वध देंगे। मैं इस गल का भी थोड़ा धन्यवादी हाँ। आ किसान इस गल के गवाह, पिछलियां दो फसलां बड़े निर्विघन तरीके दे नाल चुकियां गईयां, कोई परेशानी नहीं हुई, ये तुसीं गवाओ। सरकारां वादे ते करदियां रहियां कि असीं 8 घंटे बिजली देवांगे, लेकिन पहली बार जे लोगों नूं 8 घंटे लगातार जीरी के समय च बिजली मिली, वह थोड़े समय च मिली, मैं कोई बधा चढ़ा के नहीं कह रहा। और जिहड़ियां दूसरियां सरकारां सी ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਮੁਫਤ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ 350 ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਆ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ 80 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ 84 ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇਵੋਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਖਰ ਦੇ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੱਦ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਚਪਨ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ। ਜਦੋਂ ਤੇਜੇ ਬੀਲੇ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਹ ਗਵਾਹ ਬੈਠੇ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। 784 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ 4 ਸਕੂਲ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੀਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗੀਰਦਾਰ, ਉੱਪਰ ਰਜਵਾੜਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਇਹ ਤੀਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਗਰ ਸਿਹਰਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁਰੀਲਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ, ਸਿਰਫ 6 ਕੈਜੁਅਲਟੀ, 3 ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, 7 ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। 16 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਸਵੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ, ਬੁੱਤ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਵਾਇਆ। ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਜੜ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਗਨਲ, ਖਤਰੇ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਆ ਜੇ, ਜੋ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥੋਂ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲੜਿਆ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਰ, ਕਦੇ ਸਾਡਾ RTI ਰੋਕ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਰੋਕ ਲੈਣੇ, ਅੱਜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31-31 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਣਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ। ਮੰਚ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ CPI ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਸਾਬਕਾ MLA ਹਰਦੇਵ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ, CPI ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬੰਸ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਰਾਜ MLA ਸੰਗਰੂਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਗੋਲ ਜੀ MLA ਲਹਿਰਾ ਗੱਗਾ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ MLA ਛਤਰਾਣਾ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸਾਥੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ, ਬੰਦ ਬਰਾੜ ਜੀ ਨੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ
कदे पंजाब दे कच्चे मुलाजमान की फाइल आउंदी आ उन्हां पक्के करन दी गल हुंदी आ, कदे पंजाब दे किसान नूं मुआवजा देण दी गल हुंदी आ, तां इह तय कीता जांदा कि जिहड़ा मुआवजा गा हफ्ते दे अंदर अंदर मिलना गा। सो मेरा कहण दा भाव आ कि पहली सरकार आ जिन्हें इतिहास दे अंदर पहले साल ही जिन्नियां गरंटियां जिन्ने वादे साडे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने, जिन्ने वादे सरदार भगवंत सिंह मान जी ने इलैक्शन तो पहला पंजाब के लोगों ने किए थे, एक एक करके सारे वादे सारिया गरंटियां लगातार पंजाब के अंदर पूरी हो रही है। 300 यूनिट फ्री ऑफ कॉस्ट इलैक्ट्रिसिटी वादा मुफ्त देने का वादा सीगा कि 300 यूनिट हरेक घर में बिजली मुफ्त होगी, कोई भी जी पाबंदी नहीं होगी कि 1 किलो का हो, 2 किलो का हो, 4 किलो वाट का हो, पर लेकिन वो सारे पंजाब के अंदर मुफ्त जी बिजली मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। पावरकॉम को जिस तरह कामरेड अर्शी जी ने कहा कि 20,000 करोड़ की सबसिडी, पहली सरकार आ जिन्हें 20,000 करोड़ की सबसिडी पावरकॉम को बिजली जो महकमा गा उन्होंने पहले साल ही अदा की है, बहुत बड़ा एक इतिहासिक फैसला गा। सो मेरा कहने का भाव लगातार सरदार भगवंत सिंह मान जी तुहाडे हक के विच पंजाबियों के हक के विच फैसले लै रहे हैं गे। पहली बार होया कि पंजाब के अंदर मालिया रेवेन्यू जिन्होंने GST कह दें टैक्स ਉਹਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀਆ ਘਟਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਜੇ 4 ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ 50ਵੀਂ ਬਰਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਆਦਮਕਦ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁਲਵਾਉਣਾ ਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੈਲਕਮ ਸਵਾਗਤ ਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਬੇਹੱਦ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੌਣ ਇੱਧਰ? ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਜੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ
एक कुड़ी जी दी मन दे विच इच्छा सी कि मैं चम्मी भावें छोटे घर चा पर उडारियां बड़ियां लाउणियां ने। आम आदमी पार्टी ने मौका दिता, कड्डे कड्डे धनाडा नूं हराया। नरिंदर कौर भराज MLA संगरूर, कुलवंत बाजीगर MLA छतराणा तुहाडे गुआंढी ने, आम घर च जम्मे होए ने, इन्हां ने भी बड़े बड़े धनाडा नूं हराया, वह भी मौजूद ने। साढ़े MLA लहरा गागा वरिंदर गोयल जी, इन्होंने तो उन्होंने हराया जिन्होंने 25-25 साल घर ही नहीं छड़े सी चंडीगढ़। हलका छड़ाउणा तो दूर की गल है, घर मसा छड़ाए उन्होंने तो। वरिंदर गोयल जी साड़ी पार्टी दे होर बहुत सीनियर अहुदेदार चेयरमैन साहब, इतों कामरेड बलदेव जी, इतों की सबका मौजूदा पंचायत सरपंच साहब, सारे पतवंते सज्जन, सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। बहुत घट लोग होंगे ने जोड़े दुनिया चाहते ने, तो जिन्हों सारे वर्गों के लोग ही प्यार करते हैं। बहुत घट लोग होंगे ने जोड़े राजनीति चाहते हैं पर सारिया पार्टिया तो उपर उठ के उन्होंने प्यार किया जाता है। बहुत घट लोग ने जिन्होंने देश लई घर छड़े, जवानी लेखे लाई, पढ़ाई लेखे लाई, उस तो बाद आजाद मुल्क दे विच पार्लीमेंट दे मैंबर भी बने। कितना ज़्यादा वधिया लगता हो उन्होंने कि इस मुल्क लई लड़े तो उस मुल्क की लोकसभा दे विच हाजर। उन्होंने चो एको एक शख्सियत है तेजा सिंह सतुंतर जी का नाम आता है। वीरो 1901 च जम्मे सी, भगत सिंह नालों 6 साल वड्डे सी। जिस वेले भगत सिंह उन्हें फांसी हो रही सी उस वेले वह आजादी की लहर सी 1931-32। गदरी बाबिया नाल संपर्क होया, उन्होंने मिलटरी ट्रेनिंग लिए भेजा तुर्की, फिर क्यूबा, जर्मनी, अमरीका, कनेडा, बहुत सारे मुल्क उन्होंने पंजाबी जेड़े रेंदे सी, भारती जेड़े रेंदे सी दुनिया तो बाहर, उन्होंने कट्ठे लामबंद करन चलाया टाइम। इत्थे आए गोरी हुकूमत ने फड़ के जेल च देता, लुक छिप के भी रेंदे रहे भारत दे आजाद होने तो बाद। लोकसभा दीआं चोणां आईआं, लोकसभा चोणां दे विच संगरूर बहुत वड्डी लोकसभा सी उस वेले जिहड़ा सीगा हलका बहुत ज़्यादा वड्डा सीगा, उदों जित्ते भारत दी पार्लीमेंट चले गए, एक झोला लेके जांदे हुंदे सी लोकसभा च, झोला हुंदा सी हत्थ च, बोलदे बहुत वधिया सी क्योंकि जिहड़े बंदे ने देश वास्ते लड़िया होवे उहनूं लिख के बोलण दी लोड़ नहीं पैंदी, वह दिलों बोलदा हुंदा, उहनूं लिखणा नहीं पैंदा। जिहड़े बंदे ने कोई लड़ाई लड़ी है जिहड़ा सच बोलदा उहनूं लिखणा नहीं पैंदा। बोलदे हुंदे सी, बड़े मुद्दे ठाउंदे सी। संगरूर वाले तां वैसे ही, हालांकि जम्मे ओह गुरदासपुर दे सी, MP इत्थों, इनकलाब दे मुढ तां संगरूरियां ने बन्ने ने, जिन्ने बन्ने ने करदे कराउंदे तेजा सिंह सतुंतर तों लै के 2014 च मेरा नंबर भी आ गया। ये काम भी संगरूरिया ने किया। फिर 19 च फिर कहिंदे इक्को ही है चाहे साडा, पर यह तुसीं यकीन किया। 22 च उदू वड्डा यकीन किया, अज तुसीं मैनूं उत्थे पहुँचाता जिथे सुपना भी नहीं लै सकदा कोई। मैं 7 जन्म लै के भी हर सां तों बाद जे थोड़ा धन्नवाद करी जावां तां भी 7 जन्म पूरे नहीं पैणे थोड़े इज्जत थोड़े प्यार वास्ते। पर कोशिश जिस तरह अर्शी साहब ने किया, बहुत तजर्बेकार बंदे ने, बड़िया नेरियां झखड़ देखे हुए इन्होंने, तजर्बा इन्हां कोले बहुत ज़्यादा, ये तजर्बा लेना चाहिए पार्टी पद्धर तो उपर उठ के। मैं तो यह कहना हूं, मैं अक्सर कहना हूं, वोटां दा रौला तुसीं ला लो भी 5 साल बाद वोटां पैंदियां,
तो साढ़े 1800 दिन बनता ला लो पांच साल बाद साढ़े 1800 दिन बनता पांच साल का पचास दिन वोटों का रौला पैंदा है। चल दो महीने ला लो, चलो दो महीने पिंड वाले मेरी गल सुन लो ध्यान नाल, दो महीने जिहड़ी मर्जी पार्टी कनी हो जाया करो, थोड़ा थोड़ी अवधि रहे है, लोकतंत्र है, जिन्हू मर्जी जिदे नाल मर्जी हो जाओ दो महीने, उदू बाद जिहड़ा जित गया उहनू खिड़े मत्थे प्रवान करके बाकी 1800 दिन तक इकट्ठे रहो, बाकी 1800 दिन तक इकट्ठे हो ना, बाकी भी आपां तां दुश्मनियां पा लैंदे आ भी उन्हां दी गली वीती नहीं जाना, उन्हां दी बरात नहीं चढ़नी, उन्हां दे भोग ते नहीं जाना, ये अपने विरुद्ध सी उदों, ये कम नहीं करना। वोटां मिले आपां नूं हक है, हरेक नूं हक है भी वह भावें जिधर मर्जी हो जाए, पर वोटां तों बाद भाई जिहड़ा जित गया उहनूं वधाईयां दे के कहो चलो पिंड दे काम कराईए, पिंड दे जदों सांझे काम कराउणे होण उदों इकट्ठे हो जाओ। सरपंची वेले भी मैं अनाउंस कीता सी, एम पी सी मैं अरसी साहब जदों इत्थों, तां मैं अनाउंस कीता सी कि पिंड जिहड़ा पिंड सर्वसंमति करूगा 5 लाख रुपया उहनूं पहलां देवांगे जिहड़ा सर्वसंमति च करूगा, क्योंकि सरपंची वेले लड़ाइयां बहुत होंदियां, 57 दे केस हो जांदे ने, घरां मूर दी ललकारे मार के लंघण लंघ जांदे आ, ललकारियां 'च जित जांदे, पहलां तां उहने 5 मारे सी आपां 7 मारे आ। एकता, मैं ये चाहना सरपंच जिहड़ा वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए, सरपंच पिंड का होना चाहिए, पिंड का सरपंच जिहड़ा सारे नूं कहे आ जाओ भाई वेलकम, तुसीं भी आओ टूरनामेंट ते हरेक नूं बुलाओ, बल्कि जिहड़ा वध पैसे दिंदा पैसे उहनूं बुलाओ नाल, चीफ गैसट बनाओ उहनूं, अगले नूं हुण टूरनामेंट ते भाई इकट्ठ मिलदा है, उहने आपदा कोई लीडर बनना तां फिर इकट्ठ कित्थे मिलदा, ऊं ऐ करिया कराया उहनूं कहो भी तूं किन्ने दिन आ साडे पिंड नूं, तूं दस तैनूं मुख मेहमान बना दिंदे आ, लो कम पिंड वास्ते। सो इस करके अज का दिन यह है, इत्थे कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं किसी का, ना आम आदमी पार्टी का ना CPI का, इतने आप सारे कट्ठे हाँ। वह बंदा जिहड़ा सी तेजा सिंह सतुंतर, उसकी शख्सियत वाल देखो, आप बहुत बौने लगते हैं, बहुत छोटे लगते हैं उनके मुकाबले, जिस वेले मौत हुई तेजा सिंह सतुंतर जी की पार्लीमेंट के बोल रहे थे, दिल का दौरा पै गया, इंदिरा गांधी उदों मौजूद सी पार्लीमेंट च, तो जदों इंदिरा इकट्ठ हो गया भी रौला पै गया जदों कि दौरा पै गया MP डिग पिया, तो इंदिरा गांधी ने झोला चक्या, जिहड़ा झोला सी उस झोले चों 2 सुक्कियां रोटियां ते धरती नूं प्यार करदे आ, उह बंदे उहनां दे नां ते कुछ भी बना दोगे छोटा लगेगा। भारत रत्न अवार्ड सब तो वड्डा अवार्ड है देश का,
भारत रत्न अवार्ड। मैं पार्लीमेंट बोलिया सी कि भारत रत्न उन्हूं दिया करो जिन्हों दिते नाल भारत रत्न अवार्ड का इज्जत बधे उहदी, भी आ भारत रत्न इहनूं दित्ता इहदे नाल भारत रत्न की इज्जत बधी है, चक के हरेक नूं फड़ा दिंदे हो। मैं कहा जे शहीद आजम भगत सिंह नूं भारत रत्न नहीं भी देणगे वो अपने दिलों से उन्होंने इज्जत नहीं घटती, पर जे शहीद आजम भगत सिंह करतार सिंह सराभे होर शहीद ऊधम सिंह वर्गियां नूं भारत रत्न मिल जू तो भारत रत्न की इज्जत बधूगी कि भारत रत्न जिहड़ा वो है भाई जिहड़ा हुण तक भगत सिंह होरां नूं मिलिया ऊधम सिंह होरां नूं मिलिया होया। होर दस दिना तुहानूं, मेरे कोल तां अंदरलियां ने, मैं तां पहलां कढ लिआउंदा सी कैसटां वेले, हुण तां मैं विच अंदर वड़ गया इहनां दे। दो भारत रत्न अवार्ड इहोजे ने अर्शी साहब, दो भारत रत्न अवार्ड इहोजे ने क्योंकि भारत रत्न अवार्ड नूं प्रधानमंत्री साइन करके दिंदा भी इहनूं दे दित्ता जावे। भारत दे दो भारत रत्न इहोजे ने जिहड़े प्रधानमंत्रियों ने कहता मैनूं दे दित्ता जावे। नाम दसा, जवाहर लाल नहरू ते इंदिरा गांधी, आप ही प्रधानमंत्री आप ही भारत रत्न ले लिया। हद है यार, हद है यार। सो इस करके ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, गदरी बाबे के ना लेंदे ना नहीं पूरे जान दिया कोई, गदरी बाबे कह के नबेड़ दें कुरबानी कल्ले कल्ले दी सी, नौ कल्ले कल्ले का खिंचया गया सी उत्थे, शहीदां च कोई वड्डा छोटा नहीं हुंदा। हाँ शहीद आजम कह के अपन सारे शहीदों पिछ लै लें कि आजम के शहीद पूरे जिन्हें दुनिया के शहीद हुए ने उन्होंने शहीदों के सरताज भगत सिंह होरां दा नाम ले लें। सो तेजा सिंह सतुंतर होरां दे अज इत्थे बुत तो परदा उठाउण दी रस्म च मैनू बुलाया, मैं बंत सिंह बराड़ जी का अर्शी साहब का और उन्होंने सारी जिन्हें भी उन्होंने अहुदेदार साहबान पहुँचे ने मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करदा, तो अपने आप नूं बहुत सन्मानित महसूस करदा कि इहोजे फंक्शन जिहड़े पार्टी पद्धर तों उपर उठ के हुंदे ने होने चाहिए, होने चाहिए, कल्लियां आलोचना करन नूं जां कल्लियां एक दूजे दी चुगलियां निंदा करन नूं नहीं होने चाहिए फंक्शन। हुण आ जांदे आपां अपने कम्मां ते। देखो जिस तरह आरसी साहब ने कहा ताणी बहुत उलझी पई है, उन्हूं सुलझाई जाने आ, सुलझ जूगी, सिरा थिया गया आपां नूं, आपां रेह पाउने आ यूरिया, जिहड़ा दा तजर्बेकार किसान है उन्हूं पता हुंदा इधरले पास्यों खोलनी है, एक सिरा जा मिल जाए फर्र करके सारी बोरी खुल जाती है। जिहड़ा नवें तजर्बे करदा हुंदा उह परले पास्यों खोलदा है, अद्धा दिन लग जाता एक बोरी खोलण नूं। आपां नूं सिरा थिया गया, पंजाब हुण फर्र करके कर्जे तो भी मुक्त होगा ते थोनों भी सहूलत मिलनगियां सारी। असी बिजली फ्री करन दी गरंटी लई कि बिजली फ्री करांगे, विरोधी पार्टी कहिंदे पैसे कित्थों लियाउणगे, सानू पुछदे रहे पैसे कित्थों लियाउणगे, असी उन्हां नूं जाण के नहीं दस्या, सानू पता सी पैसे इन्हां च ही पए ने इन्हां चों कढांगे, हो गई ना बिजली फ्री, पैसे कित्थों आए ने इन्हां चों, जिन्हां दे घरों नोट गिणन वालियां मशीनां इत्थे आउंदियां ने। एक मंत्री की तलाशी लई घर दी, करप्शन का केस चलता है उहदे घर की तलाशी लई उहदे घरों नोट गिणन वाली मशीन मिली है। ये नोट गिणन वाली मशीन घरें कदों लिआउण लग गए जी आपां, ये तो बैंकां च हुंदियां ने, इहदा मतलब इन्ने लुटदा सी उह कि उहदे घर का टब्बर सारा टब्बर जवाब दे गया भी साथों नहीं रोज़ रोज़ गिणे जांदे, तां तूं रोज़ दा कम है उहदा मशीन लिया, उन्हां चों कढे ने पैसे, हजे होर कढांगे। सा 9000 तो वध एकड़ जमीन नजायज़ कब्जियां चों छुड़ा चुके हैं जी, उह चों 7500 पंचायतों की है, 7500 एकड़ पंचायतों की है जिहड़ी दबी होई सी वड्डे बंदियां ने, हुण उह चों तीजा हिस्सा SC कम्यूनिटी का दलित भरावां का 2500 हो गया जी। इहदा मतलब 2500 एकड़ का ठेका वह गरीब परिवारों नूं भी जाऊगा, वह भी दबी हुई सी मतलब नाल। असी बिजली 80% लोगों बिजली बिल जीरो आते हैं, फिर असी आ गए जी महला क्लीनिका वाल,
504 क्लीनिक खोलते, सारिया दवाइया फ्री ने, 40 तो वध टेस्ट फ्री ने। जाओ जे तो कोई छोटा मोटा बुखार जुकाम सिर दुखदा जां कोई हो उत्थे ठीक होकर आ जाओगे। पर साडे कोल जिहड़ा रिकॉर्ड आ गया 21,21,350 बंदे 31 मार्च 2023 तक उन्होंने महला क्लीनिकां चों ठीक हो के वापस जा चुके ने। 21 लख, इहदा मतलब 21,21,000 बंदियां नूं वड्डे हस्पतालां च नहीं जाना पिया, उन्होंने लाइनां च नहीं लगना पिया। इहदा मतलब उत्थे भी थोड़ा जिहा रश घट गया। तो नाले साडे कोल एक डाटा आऊगा, 1,000 हो जाएंगे, 135 होर तैयार ने, आ 2-4 महीने 1,000 हो जाएंगे। 1,000 तो बाद साडे कोल एक डाटा आऊगा, क्योंकि जिहड़ा भी आउंदा उहदा कंप्यूटर च लिखदे आ कि कीड़ी बीमारी है, वह सारा डाटा साडे कोल जदों आऊगा सानू यह पता लग जूगा कि पंजाब दे विच कीड़ी बीमारी किहड़े इलाके च ज़्यादा फैल रही है। फर्ज कर लो इस इलाके का आपां ने डाटा कढ लिया कि भाई इत्थे शूगर के मरीज़ ज़्यादा आउंदे ने, भाई इत्थे हैपेटाइटिस सी के मरीज़ ज़्यादा आउंदे ने, इत्थे बच्चों के विच आ बीमारी ज़्यादा पाई जाती है, इत्थे हाइपर टेंशन के केस आ रहे ने। उहदे नाल की होगा आपां उस इलाके दे विच सुधार भी कर सकांगे, रिसर्च भी कर सकांगे, ते लोड मुताबक स्पैशलिस्ट डॉक्टर ते स्पैशलिस्ट हस्पताल भी खोल सकदे आ कि इस इलाके च बीमारी फैल रही है, इहनूं आपां पहले ही रोक लईए। ये स्कीमां ने साडियां, ये साडियां स्कीम, असीं हर रोज़ कोई ना कोई फैसला इहो जिहा करदे आ कि लोकां नाल जो उदू पहला हुंदा आया उह ना होवे, लोकां नूं कोई राहत मिले, लोकां नूं कोई राहत मिले। 28,042 नौकरियां दे नियुक्ति पत्र बंड चुके हैं जी, एक साल च 28,042। बिजली बोर्ड च 3,835 ने, सीवरेज बोर्ड च ने, नर्सां रखियां ने, SDO रखे ने वख वख महकमें च, कलर्क रखे ने, जिहड़े स्टेनोग्राफ रखे ने, रिकॉर्ड कीपर रखे ने, और एक भी किसी ने यह कहा नहीं कि MLA की सिफारिश चाहिए है जां किसी को जाके पैसे देने पैण, पेपर दिओ, जे पेपर चो पास हो गए नंबर वधिया आ गए थोड़े घरें चिट्ठी आ जाऊगी भी आ जा नौकरी लै जा। साढ़े MLA का एक दा फोन आया मैनू, मैं 642 नौकरियां दे नियुक्ति पत्र वंडने सी एक दिन बाद, यानी कि परसों नूं वंडने सी, मैनू एक दिन पहला फोन आ गया, दो दिन अभी चल पे कोई नहीं, कोई टैक्नीकल खराबी। वह मैंने फोन आया कहना जो परसों 642 बन रहे हो जी नौकरियां, मैं क्या हाँ, एक कहना उस अपना ही मुंडा है जमा ही, मैं क्या अच्छा जी वधिया गल है, कहना नहीं जी 3 नंबरां ते रह गया, उहदा नाम आया नहीं, ऊ है अपना जमा ही। मैं क्या भी फिर की करिए, कहना देखो जी वह तो अपना है, वह जमा ही अपना है। नहीं मैं क्या फिर करिए दसो, कहना फिर उन्होंने पाओ बिच, मैं क्या 642 ने पोस्ट ही 642 ने, 643 तो कर ही नहीं सकते, कहना नहीं नहीं किसी काट दो उन्होंने पा लो तो जमी अपना है। मैं क्या जी MLA साहब मैं ये दसो जिन्हों कड़ांगे वो किदा है, वह भी तो अपना है, वह भी तो पंजाब का पोती है, वो माँ भी परसों खंड वाले दही का चमचा मूँह च पा के भेजूगी भी जा पुत नौकरी लिया भैन का विह कर देंगे कबीलदारी ली तो आजूगी। मैं क्या अपने वाले कह जोड़ा जमी अपना है उन्होंने कह भी थोड़ा जहा पढ़ के ना अगली बार 6-7 नंबर बद लेके फिर आ जाए दोबारे, ए नहीं कोई अपना सारा पंजाब ही अपना है, असी किसी ने दरियात नहीं करनी, किसी की कोई सिफारिश नहीं करनी। मैं एक हूँ ही हजे असिस्टेंट लाइनमैन दोस्टा निकलियाँ, मैं इदा ही कहता भी कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई MLA नहीं तुहानूं कुछ कह सकदा जो चलो जी नियुक्ति पत्र देण लग्या पहले ही आया
मैं कि पिंड है कहना सतौज मैं क्या किनू कहा सी मेरी मम्मी भी सतौज जाती रही है ना बेबे मैं बेबे जा किसी नू कहा था नहीं कहना मैं तो किसी नू नहीं कहा जी मैं की किया जी कहना पेपर दिता सी अर्जी आ गई कहना सतौज के दो आ तीन आ जी कहना मैं अच्छा फिर मैं उत्तर दस्या भी इदू बाद होर दसो कि पारदर्शिता कर दीए कि मुख्यमंत्री एक छोटा जा पिंड है 2100 वोट है जी मुख्यमंत्री के पिंड के तीन मुंडे सरकारी नौकरी च ने पर मुख्यमंत्री नहीं पता कि वह कौन ने उन्होंने आपकी मेहनत नौकरी ली है हूँ इस गल करके उन्होंने गाला कटी जाइए तो मुख्यमंत्री के पिंड ने यह तो रख जो बादल रखी जाता सी चुकी जाओ बादल पिंड के पी आप कदम सरपंच नहीं जितया उतो सो असी कदे किसी ने दरियात नहीं करते जे मेरे पिंड के मुंडे कुड़ियां पढ़नगे उन्होंने भी नौकरी मिलेगी थोड़े पिंड वाले पढ़नगे असी देखते नहीं कितों के ने असं तो नंबर देखते हैं जी हूँ एक एक मुंडे नौकरी मिली पायल हल्के का एस डी ओ लग गया बिजली बोर्ड च पेपर दे के गया सी कनेडा उतो मुड़े आया हूँ कहना मैं नहीं उत्थे रहना मैं तो इत्थे नौकरी करूँगा इत्थे रह लो अपने घर च रहिए जिस तरह कहा जा रहा विराट साहब वालों के बाहर भजी जाने बहर त भजी जाने जी उदों पहले दिखता ही कुछ नहीं नेरे ही नेरा दिखता सी चानण मुनारे थोड़े जे हुण दिखण लगे ने आपां इत्थे ही ठीक करांगे अपने घर नूं ही जे अपना घर खराब है तो अपना घर आपां ठीक करांगे पंजाब बहुत बारी डिग गया पर पंजाब बहुत बारी उठिया भी है किसानी वाले मामले च आ जाओ गन्ने दा असीं पिछले साल दा सारा पैसा देता जी 392 करोड़ सी सारे पैसे साडे वल्लों देते उन्हां नूं शुगर केन नूं 380 रुपये क्विंटल साडा भाअ है सारे मुल्क तो वध है जी 380 रुपये तो असी मिलां नाल भी गल कर रहे हैं कि पहला पैसे दो फिर थोनू गन्ना देवे फिर बाद गल करांगे मिलां मैनू पता चलाकियां कर दियां ने वो असी उन्हां ते हुण सकंजा कस रहे हैं फिर पिछली बार झोना बीजन वेले बिजली खुली आई झोना आया ट्राली का डाला खोलन सार तुल गई 24 घंटे 30 घंटे पैसे आ गए कोई दिक्कत नहीं ट्रांसपोर्ट की बारदाने की सारा प्रबंध असी पहला करके रखते हैं इदा ही ऐतकी होगा चलो कणक थोड़ी जी खराब हो गई लेट आई ने पर कोई मंडी च नहीं रोलन देवे तो नाल असी उन्होंने आख्या केंद्र न कि बेमौसमी बरसात पै गई बहुत फसलों का नुकसान हो गया खड़िया फसलों जड़िया पक्या हुई डिग पियां तो पानी आ गया उत्ते तो दाना खराब होगा सिल भी होगी दाना खराब होगा सानू ढिल दे दो रिलैक्सेशन दे दो भी खरीदण च FCI वालों उन्होंने की किया जी हाँ जी कर देंगे इन्ने परसेंट 18% तो असी कर देंगे जी उस तो बाद असी जे दाना खराब है जा टुट्टिया होया जा काला दाना है तो फिर उस हिसाब नाल असी 21 रुपया का पर क्विंटल का
खराब है जां टुटिया होया जां काला दाना है तो फिर उस हिसाब नाल सी 21 रुपया दा पर क्विंटल दा बिजली बोर्ड पहली बार मनिया कहें सानू पहली बार पैसे मिले ने जी पहला सानू इधर उधर ही कद कहें से इधरों कट लो कद कहें इधरों कट लो वो बिजली के कट लाई जाते सी सो मैं थोनू ये वादा करदा हूँ तो इन्होंने बनाई हुई है 8 घंटे 8 घंटे किने बनाए ने भी थोनू पुछ के बनाए ने 8 घंटे की पुछ के बनाए पुछ के थोड़ी बनाए फिर बनाते 8 घंटे केड़े खेतीबाड़ी स्पैशलिस्ट ने कहा भी 8 घंटे सारा कुछ हो जाता ठीक हो जाता
एक मिनट इधर निहालगढ़ नगर इनकलाबी पिंड निहालगढ़ आले दुआले दे पिंडां तों बहुत सारे पंजाब दे हमदर्द जी संगरूर तो एक कुड़ी जी दी मन दे विच इच्छा सी कि मैं चम्मी भावें छोटे घर चा पर उडारियां बड़ियां लाउणियां ने तां आम आदमी पार्टी ने मौका दिता कड्डे कड्डे तनाडा नूं हराया नरिंदर कौर भराज एम एल ए संगरूर कुलवंत बाजीगर एम एल ए छतराणा तुहाडे गुआंढी ने आम घर च जम्मे हुए ने इन्हां ने भी बड़े बड़े तनाडा नूं हराया वह भी मौजूद ने साडे एम एल ए लहरा गागा वरिंदर गोयल जी इन्हां ने तो उन्हां नूं हराया जिन्हां ने 25-25 साल घर ही नहीं छड्डे सी चंडीगढ़ हलका छड़ाउणा तां दूर दी गल्ल है घर मसां छड़ाए आ उन्हां तों वरिंदर गोयल जी साड़ी पार्टी दे होर बहुत सीनियर अहुदेदार चेयरमैन साहब इत्थों कामरेड बलदेव जी इत्थों दी साबका मौजूदा पंचायत सरपंच साहब सारे पतवंते सज्जन सब तो पहला फतेह प्रवान करियो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत घट लोग हुंदे ने जिहड़े दुनिया च आउंदे ने ते जिन्हां नूं सारे वर्गों के लोग ही प्यार करते हैं। बहुत घट लोग होंगे ने जिहड़े राजनीति आते हैं पर सारिया पार्टियां तो उपर उठ के उन्होंने प्यार किया जाता है। बहुत घट लोग ने जिन्होंने देश लई घर छड्डे जवानी लेखे लाई पढ़ाई लेखे लाई उस तो बाद आजाद मुल्क दे विच पार्लीमेंट दे मैंबर भी बने कितना ज़्यादा वधिया लगता हो उन्हां नूं कि इस मुल्क लई लड़े तो उस मुल्क की लोकसभा दे विच हाजर। उन्हां चों इको एक शख्सियत है तेजा सिंह सतुंतर जी का नाम आता है। वीरो 1901 च जम्मे सी भगत सिंह नालों 6 साल वड्डे सी जिस वेले भगत जिहड़े मैसां चोरी करते सी उन्होंने तो चादर फड़ा रखी सी मरू कौन आही मुल्क आही काम अपने मुल्क का है। वह जिहड़े चोर ने उन्होंने चादर फड़ा रखी ने थलों की आपां लंघी जांदे दसो चोर आपां आपदे चो भाली जांदे कौन है असली चोर तो चादर लैके खड़े ने इन्हां तो चादर फड़ो इन्हां तो चादर लैके चंगे तो इमानदार बंदियां नूं फड़ाओ फिर थोड़ियां चोरियां बंद होणगियां फिर थोड़े टैक्स चोरी बंद होणगे फिर थोड़े घरां चों गरीबियां निकलणगियां। मैं थोड़े पिंड दीआं मंगां ने वैसे तो थोड़े पिंड च आ के मंगां कहना थोड़ा तो खजाना मंत्री थोड़ा आपदा है मैं तो आपे तो चाबी मंगदा उही गल है ना वो कहिंदे कोई माता जी किसे साध संत कोले लै गई आदे जवाक नूं गुड़ खांदा सी वो कहिंदी बाबा जी गुड़ बहुत खांदा है कहिंदा बुधवार नूं लै के आई इहनूं बुधवार नूं गई कहिंदी बाबा जी दसो गुड़ खांदा है कहना अगले वीरवार को आई अगले वीरवार को ले गई कहंदी बाबा जी गुड़ बहुत खांदा है कहना हाँ कहना गुड़ ना खाया करो ए बस वो कहंदी बाबा जे इन्ने ही कहना सी मैनू 15 दिन हो गए गेड़े मरवाने पहला कहन दे वो कहना भाई पहला किवें कहंदा उदों मैं बहुत खांदा सी इस करके मैं तो चाबी थोड़े वाले तो मंगदा भी आ किसानां नूं देने ने आ थोड़ा जिहा खोलियो जी तुसीं मंगा मेरे कोल फड़ाई बैठे हो
देखो कामरेड तेजा सिंह स्वतंत्र यादगारी लाइब्रेरी ट्रीटमेंट प्लांट जिहड़ा पिंड दे टोप जिहड़े गंदे पानी दा सोलर सिस्टम मैं ओह गल्लां कहूँगा जिहड़ियां हो सकन। निहालगढ़ की फिरनी वाली सड़क जी 18 फुट निहालगढ़ तो डेरा बाबा अमरदास नवी पमैश मुताबक सड़क की मुरम्मत पिंड निहालगढ़ तो लाड़ बंजारा लई नवी सड़क कामरेड तेजा सिंह जी के बुत तो लैके बाबा दुला सिंह की समाध तक सड़क गलिया नालियां तो इंटरलॉक धर्मशाला लई पैसे सोलर लाइटा ते सी 13 ते सीसीटीवी कैमरे ये सारिया मंगा थोड़े पिंड दियां हल हो जाएगियां। रह गईयां दो मैं वह भी दसूंगा कोऑपरेटिव बैंक वाली ते पशु हस्पताल ये सानू थोड़ा जिहा कागजी काम करना पड़ा। कोऑपरेटिव बैंक वाले नाल असीं गल करदे आं भी उन्होंने कितने कितने ब्रांचा ने कुछ निहालगढ़ का जे ब्रांच खोल सकते हैं तो असीं उहदे वास्ते सिफारिश करांगे। मैं थोड़ा एवें कह जा एवें इत्थे मैं पाड़ियां मरवा दा उहदा कोई फायदा नहीं। मैं उही कहना जो मैं कर सकदा ते जो मैं कर सकदा मैं उही कहना। दो रह गईयां इन्हां चों 13 चों दो रह गईयां 11 थोड़ियां मंगां जिहड़ियां ने वो जिन्ने भी पैसे मैं फिर कहना पैसे नहीं पुछीदे होंदे खास तौर पर लोगों वाले काम से जिन्ने भी लगनगे असी अपने वालों वो लावांगे। कोई नहीं मैं बह जाओ बह जाओ बह जाओ मैं लेके जाऊँ। सो क्योंकि मेरा आपदा पिंड भी दिड़बे हल्के च पैंदा है मेरे आपदे MLA भी हरपाल चीमा जी ने सो सारे अपने पिंड एक समस्यावां इक्को जिहियां ने अपनियां टोबे भी अपन रिश्तेदारियां ने अपनियां दातियां कई दियां सांझां ने इक्को पत्तण दा पानी पीने आ। सो अपनियां समस्यावां ते जिहड़ियां मुश्किलां ने वो इक्को जिहियां ने वो दूर करांगे ते मीडिया के जिन्ने वीर इत्थे पहुंचे ने मैं उन्हां दा धन्नवाद करदा जी। भैने कि भैने तुसीं मैं एक काम करियो कौन लिखूगा डीसी साहब आ सारा ना नोट कर लो उन्होंने नहीं वो ना वो कहें जिहड़ियां छत्तां कमज़ोर ने ना बालियां वालियां चौंदियां ने जां प्रधानमंत्री आवास योजना च जां फिर जिहड़ा अपना जिहड़ा तुहाडे कोल फंड है उहदे च अप्लाई करा हो जूगा भैने बैच सारिया तुसीं जिन्ने भी एक नहीं एक घर नहीं जिन्ने भी घर इहो जिहे ने जिन्हां दियां छत्तां कमज़ोर ने बालियां वालियां ने जां चौंदियां ने जां खतरनाक ने भी कदे भी डिग सकदियां ने तुसीं लिखा दो साडे वल्लों तुहानू कोई होर सिफारिश करन दी लोड़ नहीं पैणी तुहाडे आप ही आ जाणगे वो लैंटर पा के जाणगे पहले लैंटर। हाँ मैनू हुणी एक मिनट DC साहब ने दस्या एक मिनट मैं गल हाँ डी मैनू दस्या DC साहब ने SDM ते ब्लॉक डिवेलपमेंट पंचायत अफसर वो इत्थे रुकणगे मेथों बाद इत्थे वो तुसी जायो ना मैं चला जाणा मैं अज एक होर टोल प्लाजा बंद करवाउणा नहीं बंद करवाउणा नहीं समझ लो खोलना भी मतलब पैसे लैने बंद करवाउणे उहदे ते वो इत्थे रुकणगे थोड़े हल्के दे SDM ते BDPO जिहड़े ब्लैक ब्लॉक डिवेलपमेंट पंचायत अफसर ने इत्थे रुकणगे तुसीं सारियां मंगां लिखा दिओ मावां भैणां खास तौर पर तुसीं जरूर लिखा दिओ क्योंकि मैनूं पता कबीलदारी तुसीं संभालनी हुंदी है घर च की मुश्किलां ने तुहानूं पता हुंदा जरूर लिखा के जायो फिर मेरे कोल आ जाणगियां अगे मैं खड़ा हुण तुसीं लीडर मूहरे हथ बनने छड्ड दो मैं तो हथ बनाउण वाला नहीं मैं तो सिर ते हथ धराउण वाला थोड़ा अपना पुत भतीजा मैं जिमें तुसीं कहोगे उवें कर लांगे दोने हाथ उपर चक के तेजा सिंह स्वतंत्र की याद च ते शहीदां दी याद च दो नारे ला दिए इनकलाब थोड़ा जा होर इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी बहुत बहुत मेहरबानी जाउंदे वास्ते एक मिनट इधर निहालगढ़ नगर इनकलाबी पिंड निहालगढ़ आले दुआले दे पिंडां तो बहुत सारे पंजाब दे हमदर्द
जी संगरूर तो एक कुड़ी जी दी मन दे विच इच्छा सी कि मैं जम्मी भावें छोटे घर चा पर उडारियां बड़ियां लाउणियां ने आम आदमी पार्टी ने मौका दिता कड़े कड़े तनाडा नूं हराया नरिंदर कौर भराज एम एल ए संगरूर कुलवंत बाजीगर एम एल ए छतराणा तुहाडे गुआंढी ने आम घर च जम्मे होए ने इन्हां ने भी बड़े बड़े तनाडा नूं हराया वो भी मौजूद ने साडे एम एल ए लहरा गागा वरिंदर गोयल जी इन्होंने तो उन्होंने हराया जिन्होंने 25-25 साल घर ही नहीं छड़े से चंडीगढ़ हलका छड़ा तो दूर की गल है घर मसा छड़ाया उन्होंने तो वरिंदर गोयल जी साड़ी पार्टी दे होर बहुत सीनियर अहदेदार चेयरमैन साहब इतों कामरेड बलदेव जी इतों की सबका मौजूदा पंचायत सरपंच साहब सारे पतवंत सज्जन सब तो पहला फतेह प्रवान करो वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। बहुत घट लोग होंगे ने जोड़े दुनिया चाहते ने ते जिन्हों सारे वर्गों के लोग ही प्यार करते हैं बहुत घट लोग होंगे ने जोड़े राजनीति चाहते हैं पर सारिया पार्टियां तो उपर उठ के उन्होंने प्यार किया जाता है बहुत घट लोग ने जिन्होंने देश लई घर छड़े जवानी लेखे लाई पढ़ाई लेखे लाई उस तो बाद आजाद मुल्क दे विच पार्लीमेंट दे मैंबर भी बने किन्ना ज़्यादा वधिया लगता हो उन्हां नूं कि इस मुल्क लई लड़े तो उस मुल्क की लोकसभा दे विच हाजर उन्हां चों इको एक शख्सियत है तेजा सिंह सतुंतर जी का नाम आता है वीरो 1901 च जम्मे सी भगत सिंह नालों 6 साल वड्डे सी जिस वेले भगत सिंह उन्हें फांसी हो रही सी उस वेले वह आजादी की लहर च सी 1931-32 च गदरी बाबिया नाल संपर्क होया उन्होंने मिलटरी ट्रेनिंग लई भेजिया तुर्की फिर क्यूबा जर्मनी अमरीका कनेडा बहुत सारे मुल्क उन्होंने पंजाबी जिहड़े रहिंदे सी भारती जिहड़े रहिंदे सी दुनिया तो बाहर उन्होंने कट्ठे लामबंद करन चलाया टाइम इत्थे आए गोरी हुकूमत ने फड़ के जेल च देता लुक छिप के भी रहिंदे रहे भारत दे आजाद होने तो बाद लोकसभा दीआं चोणां आईआं लोकसभा चोणां दे विच संगरूर बहुत वड्डी लोकसभा सी उस वेले जिहड़ा सीगा हलका बहुत ज़्यादा वड्डा सीगा उदों जित्ते भारत दी पार्लीमेंट चले गए एक झोला लेके जांदे हुंदे सी लोकसभा च झोला हुंदा सी हत्थ च बोलदे बहुत वधिया सी क्योंकि जिहड़े बंदे ने देश वास्ते लड़िया होवे उहनूं लिख के बोलण दी लोड़ नहीं पैंदी उह दिलों बोलदा हुंदा उहनूं लिखणा नहीं पैंदा जिहड़े बंदे ने कोई लड़ाई लड़ी है जिहड़ा सच बोलदा उहनूं लिखणा नहीं पैंदा बोलदे हुंदे सी बड़े मुद्दे उठाउंदे सी संगरूर वाले तो वैसे ही हालांकि जम्मे वो गुरदासपुर के सी एम पी इत्थों इनकलाब के मुढ तो संगरूरिया ने बन्ने ने जिन्ने बन्ने ने करदे कराउंदे तेजा सिंह सतुंतर तो लैके 2014 च मेरा नंबर भी आ गया ये काम भी संगरूरिया ने किया फिर 19 च फिर कहिंदे इक्को ही आ चाहे साडा पर इह तुसीं यकीन किया 22 च उदू वड्डा यकीन किया अज तुसीं मैनूं उत्थे पहुँचाता जिथे सुपना भी नहीं लै सकदा कोई मैं 7 जन्म लैके भी हर सां तों बाद जे थोड़ा धन्नवाद करी जावां तां भी 7 जन्म पूरे नहीं पैणे तुहाडे इज्जत तुहाडे प्यार वास्ते पर कोशिश जिस तरह अरशी साहब ने कहा बहुत तजर्बेकार बंदे ने बड़िया नेरियां झखड़ देखे इन्हां ने तजर्बा इन्हां कोल बहुत ज़्यादा है तजर्बा लैना चाहिए पार्टी पद्धर तो उपर उठ के मैं तो यह कहना हुन्ना मैं अक्सर कहना हुन्ना वोटां दा रौला तुसीं ला लो भी
पांच सालों बाद वोटा पैंदियां तो साढ़े 1800 दिन बनता ला लो पांच सालों बाद साढ़े 1800 दिन बनता है पांच सालों का पचास दिन वोटों का रौला पैंदा चल दो महीने ला लो चलो दो क महीने पिंडां वाले मेरी गल सुन लो ध्यान नाल दो क महीने जिहड़ी मर्जी पार्टी कनी हो जाया करो थोड़े थोड़ी अवधि रहे है लोकतंत्र है जिन्हों मर्जी जिदे नाल मर्जी हो जाओ दो क महीने उदू बाद जिहड़ा जित गया उहनू खिड़े मत्थे प्रवान करके बाकी 1800 दिन तक इकट्ठे रहो बाकी 1800 दिन तक इकट्ठे हो ना बाकी भी आपां तां दुश्मनियां पा लैंदे आ भी उन्हां दी गली विच नहीं जाणा उन्हां दी बरात नहीं चढ़नी उन्हां दे भोग ते नहीं जाणा इह अपने विरुद्ध सी उदों इह कम नहीं करना वोटां मिले आपां नूं हक है हरेक नूं हक है भी उह भावें जिधर मर्जी हो जाए पर वोटां तों बाद भाई जिहड़ा जित गया उहनूं वधाइयां दे के कहो चलो पिंड दे कम कराइए पिंड दे जदों सांझे कम कराउणे होण उदों इकट्ठे हो जाओ सरपंची वेले भी मैं अनाउंस कीता सी MP सी मैं अरसी साहब जदों इत्थों तां मैं अनाउंस कीता सी कि पिंड जिहड़ा पिंड सर्वसंमति करूगा 5 लाख रुपया उहनूं पहलां देवांगे जिहड़ा सर्वसंमति च करूगा क्योंकि सरपंची वेले लड़ाइयां बहुत होंदियां 57 दे केस हो जांदे ने घरां मूर दी ललकारे मार के लंघण लंघ जांदे आ ललकारियां च जित जांदे पहलां तां उहने 5 मारे सी आपां 7 मारे आ एकता मैं चाहना सरपंच जिहड़ा वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए सरपंच पिंड का होना चाहिए पिंड का सरपंच जिहड़ा सारिआं नूं कहे आ जाओ भाई वैलकम तुसीं भी आओ टूरनामेंट ते हरेक नूं बुलाओ बल्कि जिहड़ा वध पैसे दिंदा वैसे कर उहनूं बुलाओ नाल चीफ गैसट बनाओ उहनूं अगले नूं हुण टूरनामेंट ते भाई इकट्ठ मिलता है उहनें आपदा कोई लीडर बनना तो फिर इकट्ठ कित्थे मिलदा ऊं ऐ करिआ कराया उहनूं कहो भी तूं किन्ने दिन साडे पिंड नूं तूं दस तैनूं मुख मेहमान बना दिंदे आ लो कम पिंड वास्ते सो इस करके अज का दिन यह है इतने कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं किसी का ना आम आदमी पार्टी का ना CPI का इतने आप सारे कट्ठे हाँ वह बंदा जिहड़ा तेजा सिंह सतुंतर उहदी शख्सियत वल देखो आप बहुत बौने लगते हैं बहुत छोटे लगते हैं उनके मुकाबले जिस वेले मौत हुई तेजा सिंह सतुंतर जी की पार्लीमेंट के बोल रहे दिल का दौरा पै गया इंदिरा गांधी उदों मौजूद सी पार्लीमेंट च तो जो इंदिरा गांधी कट हो गया भी रौला पै गया जदों कि दौरा पै गया MP डिग पिया तो इंदिरा गांधी ने झोला चक्या जिहड़ा झोला सी उस झोले चों 2 सुक्कियां रोटियां ते धरती नूं प्यार करदे आ उह बंदे उहनां दे नां ते कुछ भी बना दोंगे छोटा लगेगा भारत रत्न अवार्ड सब तो वड्डा अवार्ड है देश का भारत रत्न अवार्ड मैं पार्लीमेंट च बोलिया सी कि भारत रत्न उहनूं दिया करो जिहनूं दित्ते नाल भारत रत्न अवार्ड का इज्जत वधे उहदी वी आ भारत रत्न इहनूं दित्ता इहदे नाल भारत रत्न की इज्जत वधी है चक के हरेक नूं फड़ा दिंदे हो मैं कहा जे शहीद आजम भगत सिंह नूं भारत रत्न नहीं भी देणगे वह अपने दिलों च उहनां दी इज्जत नहीं घटती पर जे शहीद आजम भगत सिंह करतार सिंह सराभे होरां नूं शहीद ऊधम सिंह वर्गियां नूं भारत रत्न मिल जू तां भारत रत्न की इज्जत वधूगी कि भारत रत्न जिहड़ा वह है भाई जिहड़ा हुण तक भगत सिंह होरां नूं मिलिआ ऊधम सिंह होरां नूं मिलिआ होइआ होर दस दिना तुहानूं मेरे कोल तां अंदरलीआं ने मैं तां पहलां कढ लिआउंदा सी कैसटां वेले हुण तां मैं विच अंदर वड़ गिआ इहनां दे दो भारत रत्न अवार्ड इहो जिहे ने अरशी साहब दो भारत रत्न अवार्ड इहो जिहे ने क्योंकि भारत रत्न अवार्ड नूं प्रधानमंत्री साइन करके दिंदा भी इहनूं दे दित्ता जावे भारत दे दो भारत रत्न इहो जिहे ने जिहड़े प्रधानमंत्रियां ने कहता मैनूं दे दित्ता जावे नाम दसा जवाहर लाल नहरू ते इंदिरा गांधी आप ही प्रधानमंत्री आप ही भारत रत्न ले लिया हद है यार हद है यार सो इस करके ये देश किसी के बाप की जगीर नहीं है गदरी बाबिया के ना लेंदे ना नहीं पूरे जान दिया कोई गदरी बाबे कह के नबेड़ दें कुरबानी कल्ले कल्ले दी सी नौ कल्ले कल्ले का खिंचया गया सी उत्थे शहीदां च कोई वड्डा छोटा नहीं हुंदा हाँ शहीद आजम कह के अपन सारे शहीदों विच लै लैने कि आजम के शहीद पूरे
ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਰਸਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਜੀ ਦਾ, ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਕੱਲੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਲਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਲਝ ਜੂਗੀ, ਸਿਰਾ ਥਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਰੇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯੂਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਾ ਜਾਂ ਮਿਲ ਜੇ ਫਰਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਬੋਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾ ਥਿਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਫਰਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ, ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਘਰ ਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਘਰੇ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਟੱਬਰ, ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਹਜੇ ਹੋਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾ 9000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ 7500 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, 7500 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ SC ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, 2500 ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 2500 ਏਕੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 0 ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲ, 504 ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫਰੀ ਨੇ, 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਫਰੀ ਨੇ। ਜਾਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ, 21,21,350 ਬੰਦੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 21 ਲੱਖ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 21,21,000 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆਊਗਾ, 1000 ਕੁ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 135 ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ 1000 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1000 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰੋਕ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਮ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। 28,042
नौकरियां दे नियुक्ति पत्र बंड चुके हैं जी, एक साल च 28,042, बिजली बोर्ड च 3,835 ने, सीवरेज बोर्ड च ने, नर्सा रखिया ने, SDO रखे ने वख वख महकमे च, कलर्क रखे ने, जिहड़े स्टेनोग्राफ रखे ने, रिकॉर्ड कीपर रखे ने, और एक भी किसी ने यह कहा नहीं कि MLA की सिफारिश चाहिए है जा किसी को जाके पैसे देने पैन, पेपर दो, जे पेपर चो पास हो गए नंबर वधिया आ गए थोड़े घरें चिट्ठी आ जाऊगी भी आ जा नौकरी ले जा। साढ़े MLA का एक दा फोन आया मैनू, मैं 642 नौकरियों के नियुक्ति पत्र वंडने सी एक दिन बाद, यानी कि परसों नू वंडने सी, मैनू एक दिन पहला फोन आ गया, दो दिन अभी चल पे कोई नहीं, कोई टैक्निकल खराबी वह मैंने फोन आया कहना जो परसों 642 बंड रहे हो जी नौकरियां। मैं हाँ, एक कहना उस अपना ही मुंडा है जमा ही। मैं अच्छा जी वधिया गल है। कहना नहीं जी तीन नंबर ते रह गया, उसका नाम आया नहीं, वह है अपना जमा ही। मैं क्या भी फिर की करिए? कहना देखो जी वह तो अपना है, वह जमा ही अपना है। नहीं मैं क्या फिर करिए दसो? कहना फिर उन्होंने पाओ बिच। मैं क्या 642 ने पोस्ट ही 642 ने, 643 तो कर ही नहीं सकते। कहना नहीं नहीं किसी कट दो, उन्होंने पा लो तो जमी अपना है। मैं क्या जी MLA साहब मैं ये दसो जिन्हों कड़ांगे वो किदा है? वह भी तो अपना है, वह भी तो पंजाब का पोती है। वो माँ भी परसों खंड वाले दही का चमचा मूँह च पा के भेजूगी भी जा पुत नौकरी लिया, भैन का विह कर देंगे, कबीलदारी ली तो आजूगी। मैं क्या अपने वाले कह जो जमी अपना है उन्होंने कह भी थोड़ा जहा पढ़ के ना अगली बार 6-7 नंबर बद लेके फिर आ जाए दोबारे। ऐ नहीं कोई अपना, सारा पंजाब ही अपना है। असी किसी ने दरियात नहीं करनी, किसी की कोई सिफारिश नहीं करनी। मैं एक हूँ ही हजे असिस्टेंट लाइनमैन दी पोस्टा निकलियां, मैं इदा ही कहता भी कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई MLA नहीं तुहानू कुछ कह सकता जी। वो चलो जी नियुक्ति पत्र देन लग्या पहले ही आया, मैं किहड़ा पिंड है? कहिंदा स्तौज। मैं क्या किहनू कहा सी? मेरी मम्मी भी स्तौज जांदी रहिंदी है ना बेबे। मैं बेबे नू जां किसे नू कहा तां नहीं? कहिंदा ना मैं तां किसे नू नहीं कहा जी। मैं की कीता जी? कहिंदा पेपर दित्ता सी, अर्जी आ गई। कहिंदा स्तौज दे 2-3 आ जी। कहिंदा मैं अच्छा। फिर मैं उत्ते दस्या भी इदू बाद होर दसो की पारदर्शिता कर दीए कि मुख्यमंत्री एक छोटा जा पिंड है 2100 वोट है जी, मुख्यमंत्री के पिंड के 3 मुंडे सरकारी नौकरी जिन्हें पर मुख्यमंत्री नहीं पता कि वह कौन ने। उन्होंने आपकी मेहनत ने नौकरी ली है, हुण इस गल करके उन्होंने गालां कढ़ी जाइए तो मुख्यमंत्री के पिंड के ने, यह तो रख जो बादल रखी जाता सी, चुकी जाओ बादल पिंड के पानी, आप कदे सरपंच नहीं जितया उतों। सो असी कदे किसी ने दरियात नहीं करते। जे मेरे पिंड के मुंडे कुड़ियां पढ़नगे उन्होंने भी नौकरी मिलेगी, थोड़े पिंड वाले पढ़नगे, असी देखते नहीं कितों के ने, असं तो नंबर देखते हैं जी। हुण एक मुंडे नूं नौकरी मिली पायल हल्के का, SDO लग गया बिजली बोर्ड च, पेपर दे के गया सी कनेडा, उतों मुड़े आया हुण कहिंदा मैं नहीं उत्थे रहना, मैं तो इत्थे नौकरी करूँगा। इत्थे रह लो, अपने घरां च रहिए, जिस तरह कहा जा रहा सी बराड़ साहब वल्लों कि आपां बाहर भज्जी जांदे आं, बाहर तां भज्जी जांदे आं जी, उदों पहलां दिखता ही कुछ नहीं, नेरे ही नेरा दिखता सी, चानण मुनारे थोड़े जे हुण दिखण लगे ने। आपां इत्थे ही ठीक करांगे अपने घर नूं ही, जे अपना घर खराब है तो अपना घर आपां ठीक करांगे। पंजाब बहुत वारी डिग गया पर पंजाब बहुत वारी उठिया भी है। किसानी वाले मामले च आ जाओ, गन्ने का असी पिछले साल का सारा पैसा देता जी, 392 करोड़ सी, सारे पैसे साडे वल्लों देते उन्हां नूं, शूगर केन नूं
380 रुपये क्विंटल साडा भाव है, सारे मुल्क तो वध है जी 380 रुपये। तो असं मिलों भी गल कर रहे हैं कि पहला पैसे दो फिर थोनू गन्ना देवे फिर बाद गल करा। मिलों मैं पता चलाकियां कर दें वो असं उन्होंने हम शिकंजा कस रहे हैं। फिर पिछली बार झोना बीजन वेले बिजली खुली आई, झोना आया ट्राली का डाला खोलन सार तुल गई, 24 घंटे 30 घंटे पैसे आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसपोर्ट की बारदाने की सारा प्रबंध असी पहला करके रखते हैं। इदा ही ऐतकी होगा, चलो कणक थोड़ी जी खराब हो गई लेट आई ने पर कोई मंडी च नहीं रोलन देवे। तो नाल असी उन्होंने आख्या केंद्र नू कि बेमौसमी बरसात पै गई, बहुत फसलों का नुकसान हो गया, खड़िया फसलों जो पक्या हुई डिग पियां तो पानी आ गया उत्ते तो दाना खराब होगा, सिल भी होगी दाना खराब होगा, सानू ढिल दे दो रिलैक्सेशन दे दो भी खरीदण च FCI वालों। उन्होंने की किया जी, हाँ जी कर देंगे इन्ने परसेंट 18% तो असी कर देंगे जी, वो तो बाद असी जे दाना खराब है जा टुट्टिया होया जा काला दाना है तो फिर उस हिसाब नाल असी 21 रुपया का पर क्विंटल का बिजली बोर्ड पहली बार मनिया कहें सानू पहली बार पैसे मिले ने जी, पहला सानू इधर उधर ही कद कहते इधरों कट लो कद कहें इधरों कट लो, वो बिजली के कट लाई जाते। सो मैं थोनों ये वादा करदा हूँ तो इन्होंने बनाई हुई है 8 घंटे 8 घंटे किने बनाए ने भी थोनू पुछ के बनाए ने 8 घंटे कि पुछ के बनाए पुछ के थोड़ी बनाए फिर एवं बनाते 8 घंटे किड़े खेतीबाड़ी स्पैशलिस्ट ने कहा भी 8 घंटे सारा कुछ हो जाता ठीक हो जाता। तो 12 बाबा कूक दोनों फड़े ने हूँ ला दसो पैसे उन्होंने देने पैंदे सी, वह गह तीजे थमें कहें सी उन्होंने फड़ाया, वो तो बाद जो उनका फोन आया सी उदों 12 बाबा मसूल लिखते सी वो अजे तरीके भाड़े हुए यार नाल ले जाओगे पैसा जितने मर्जी कट्ठे कर लो पैसे हीरे मोती मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती सब कुछ इत्थी रह जाता है। सो ये अपन करना पऊगा देश च करना पऊगा पूरे देश च, उधर भी देखो तह की हाल है, ओ डॉनी अंबानी चको सब लुट्टी जाते कोई उन्होंने बारे कोई सवाल नहीं पूछण देंदे ना परे हो जाओ ता ही चलू ता ही चलो, कमाल है लोकतंत्र है ये, चक के कोई रौला पाँदा लोक सभा राजसभा चक के कढ के मरो बाहर डिसमिस कर दो इन्हों। मुल्क जिहड़ा वो भाई तेजा सिंह सतंत्र वर्गिया ने भगत सिंह वर्गिया ने अपनिया जवानिया अपने बुढ़ापे अपनिया पढ़ाइया अपने तजर्बे लेखे ला के सानू लैके दिता है, ये किसी आ जिहड़े बने बैठे ने अपने आपनू ओहदिया ते इत्थे आ के बड़े बड़े तुर गए, हंकार ना करो, वो किसी वो अपना भी मुल्क का ही हाल होया पिया है, किसी पिंड च मझां चोरी होण लग गईआं कितें एक मझ चोरी हो गई लवेरी अगली रात नूं दो हो गईआं उदू गांह वाली रात नूं एक होर मझ चोरी हो गई, वो पिंड दे लोक बड़े औखे, वो पिंड दी जूत ही ना कितें डेरे ते बाबा बहिंदा सी कोई संत उहनूं कहिंदे संत जी बाबा जी तीजा नेत्र खोलो पिंड तां जमी पट्टिआ गया रोज़ एक लवेरी चेर चोरी हो जांदी है दसो इह की करिए किवें रुकू, वो कहिंदा भी ऐं करो एक चादर तान के खड़ जाओ चार जाने चारे कन्नियां फड़ के गुरुद्वारे च अनाउंसमेंट कर दो सारा पिंड चादर के थलों की लंघा लो, जिन्हें मझां चोरी कीतियां हुई चादर चो थलों की लंघन सारी मर जूगा उत्थी गुरुद्वारे च अनाउंसमेंट करके चादर चार जाने फड़ के खड़ गए लंघाई गए सारा पिंड लंघ गया मुंडे भी कुड़ियां भी बुढ़िया भी बंदे भी सारे लंघ गए कोई नहीं मरिया। कारण पता की है जिहड़े मैसां चोरी करते उन्होंने तो चादर फड़ा रखी सी मरू कौन आही मुल्क आही काम अपने मुल्क का है, वह जोड़े चोर ने उन्होंने चादर फड़ा रखे ने थलों की आप लंघी जाने दसो चोर आप आपदे चो भाली जाने कौन है असली चोर तो चादर लैके खड़े ने इन्हों तो चादर फड़ो इन्हों तो चादर लैके चंगे तो इमानदार बंद फड़ाओ फिर थोड़िया चोरियां बंद हो फिर थोड़े टैक्स चोरी बंद हो फिर थोड़े घर चो गरीबियां निकलनगियां। मैं
ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਮੰਗਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ, ਆਪਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇਹਨੂੰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਗੁੜ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ, ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁੜ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੜ ਨਾ ਖਾਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਬਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੇੜੇ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੜਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਪ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ 18 ਫੁੱਟ, ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨਵੀਂ ਪਮਾਇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਡ ਬੰਜਾਰਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੜਕ, ਕਾਮਰੇਡ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਤੱਕ ਸੜਕ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਲੋਕ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਪੈਸੇ, ਸੋਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ CCTV ਕੈਮਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਹਿ ਗਈਆਂ 2, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੀ। ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ। 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, 13 'ਚੋਂ 2 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, 11 ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਦਿੜਬੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ MLA ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਟੋਬੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਾਤੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਪੱਤਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਭੈਣੇ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਕੌਣ ਲਿਖੂਗਾ, DC ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਨਾ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਚੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਪਾਏ ਕਰਾਂ, ਹੋ ਜੂਗਾ ਭੈਣੇ ਬੈਚ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਚੌਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਭੈਣ ਲੈਂਟਰ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, SDM ਅਤੇ ਬਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ ਮੇਥੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਲਓ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਉਹਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ SDM ਅਤੇ BDPO ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਖੜ੍ਹਾਂ
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜਾ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੁਤੰਤਰ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਦੋ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਇਨਕਲਾਬ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ, ਇਨਕਲਾਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਸਮ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕਾਮਰੇਡ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ